एक दूजे के वास्ते। भैया सुमन दी कब से आपको बुला रही है, अब जा क्यों नहीं रहे हो? तेरे गान बजते हैं क्या? कुछ भी ले खुद ही पूछ लो, पीछे खड़ी आपके। आया मम्मी, मैं आया। क्या अजीब लड़का है ये? अजीब नहीं जी, आशिक। क्या? आशिक छींक रिया था मैं। क्या हुआ पुत्र, कुछ चाहिए? श्रवण मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या है ना सुमन, मैं भी थोड़ा बिजी हूँ। तो क्या बात कर रहे थे हम मम्मा? हम तो थ्रेडिंग और वैक्सिंग की बात कर रहे थे, आपको भी करवानी है? तू भी ना अवनी, पहले बताना चाहिए था ना कि पापा बुला रहे होंगे। श्रवण सुनो तो सही, क्या हो गया है तुम्हें? तुमने तो खींचा। उसकी बात नहीं कर रही, बोला था ना तुमसे बात करनी है, और तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे। नहीं वो तो मैं बस ऐसे ही। अजीब ही हो सच्ची। अच्छा आप जल्दी से सुनो वरना लेट हो जाएगा, और इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। ओ तो बात ड्रेस के बारे में नहीं है, किस चीज का मौका? पीछे देखो श्रवण, दोनों पापा यहाँ है एक ही घर में आमने सामने, आज सब ठीक हो सकता है। यहाँ सबके बीच में फ्लॉप प्लान है सुमो। बहुत ही बुद्धू जैसे बिहेव कर रहे हो तुम आज। प्लान है मेरे पास, बस तुम नजर रखना, जैसे ही मेरे पापा कहीं अकेले जाएं तुम अंकल को उनके पीछे भेज देना। डन, पर करने क्या वाली हो? दोनों दोस्तों को एक। वो तो मुझे ही पता है। तुम बस मेरे सिग्नल का वेट करना, ओके? और मुझे लगा ड्रेस के लिए सुनाएगी। सही कहती है सुमो, मैं ना सच में बुद्धू की तरह बिहेव करता हूँ कई बार। तो कविता जी इस बार कहाँ जा रही हैं फॉरेन ट्रिप के लिए? नहीं बीना जी, इस साल तो हमारा कोई प्लान नहीं है। हाँ जी वो क्या है ना कि श्रवण की 12वीं है, पढ़ाई भी जरूरी है, लगता तो नहीं है इस साल जा पाएंगे। और वैसे भी 12th के बाद हमारा श्रवण US जा रहा है, और उसके बाद अवनी भी उसके पीछे चली जाएगी। ये दोनों तो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। सुमन और कंचन का भी यही हाल है, एक दिन भी एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। भाई साहब आप लोग भी तो ट्रिप्स वगैरह पर जाते ही होंगे, फैमिली ट्रिप पर? जी जी जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, पर इस बार प्रोग्राम नहीं बना पाएंगे। वो क्या है ना कि बहुत जल्दी हम लोग इंदौर शिफ्ट होने वाले हैं। दरअसल ये अपना नया सेंटर खोलने वाले हैं वहाँ पर, और बिजनेस वगैरह सेट करने के लिए हमें वहाँ तो रहना ही पड़ेगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक नया सेंटर खुल रहा है। हाँ जी बहुत ही अच्छी बात है, कारोबार को बढ़ाना है तो जाना भी जरूरी होगा। हाँ अब जरूरी समझ लीजिए या मजबूरी, पर जाना तो है ही। पर मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि ना ही मैं इस घर को छोड़ के कहीं जाऊंगी और ना ही सुमन को। अरे कंचन बेटा अभी थोड़ी शिफ्ट हो रहे हैं, बहुत टाइम है हमारे पास। मैं नहीं जाऊंगी मम्मी। बिना रुको मैं जाता हूँ जी, बस। Excused. आजकल के बच्चे ना इन लोगों का तो हाल ही अलग है। फिर क्या बोला तूने? क्या बोलता है यार, उस बेचारी को तो हमारे पापाओं की बात करनी थी, और मैं तो वैसे मियां प्लान जबरदस्त बनाया भाभी जी ने, दो ससुरों का मिला। मेरा मतलब दो ससुर जियों का मिलाप अगर हो जाए ना मियाँ, तो तुम्हारे दोनों का एक होना भी तो कितना आसान हो जिएगा मियाँ, सोचो। सुमो का मैसेज, मौका मिलने वाला है, पापा रूम में गए हैं, तुम अंकल को भेज देना, स्टैंड बाय भी रहो, मेरा सिग्नल का वेट करना। ऑल द बेस्ट बोल मुझे। अरे मियाँ बुला की शर्ट पहने हो, हमारे सस्ते लग कर क्या करोगे? पापा आपसे ना कुछ बड़ी जरूरी बात करनी है, बैठो ना। बात करनी थी अभी, कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना तूने?
अरे चाचू मैं तो भूल ही गया, अब नहीं बुला रही थी आपको, जाओ जल्दी, वो वेट कर रही है आप। अच्छा ठीक। समा बांध लिया ना, अब बोल। बोलूंगा ना पापा, बोलने ही तो आया हूँ। मैं ही बोलने आया हूँ कि चाहे कोई भी प्लान बने, जो भी जैसा भी प्लान हो बड़े पापा, मुझे इंदौर नहीं जाना, यही आप सबके साथ सुमन के साथ रहना है। मम्मा पापा के बिना रहेंगे? उन्हें भी ये रोक लूंगी, सब साथ रहेंगे। ठीक है, तूने मुझे बोल दिया ना, अब मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। पक्का प्रॉमिस, आप रोक लोगे ना? बोला ना मैंने, अब आंसू पहुंचो और बाहर जाओ, तो तू ढूंढ रहे होंगे अपनी कंचन को, और अच्छे मूड से जाना। आज दद्दू का स्पेशल डे है ना, इसलिए उदास नहीं होना, ओके? गुड, शाबाश। लव यू बड़े पापा। लव यू टू बेटा। चलो। फिर से फ्यूज, शक हो जाएगा। पापाओं की बात सुननी है कि नहीं? अगर जीत गए तो इसमें हिस्सा हमारा होगा। चलो। ये इतनी स्मार्ट, इतनी क्यूट, इतनी अच्छी लड़की मुझे पहले क्यों नहीं मिली? आपसे कुछ बात करनी है। कुछ दिन पहले मैंने बिना सोचे समझे आपको कुछ कह दिया था, फिर बाद में मुझे एहसास हुआ कि एक फौजी को उसके फौज से अलग कर दिया जाए तो उसे कितनी तकलीफ होती है। उस दिन भी रजिंदर ने आपके साथ बहुत बदतमीजी की, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूं। पापा ने भी रजिंदर के साथ बहुत गलत किया, मैं भी शर्मिंदा हूं। वाह अंकल जी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हम पंजाबी ना खुशबू से ही स्वाद का पता लगा लेते हैं कि खाना कितना अच्छा होगा। आप, मैं कुछ मदद कर देती। नहीं नहीं, आपसे नहीं हुआ। सर आपसे एक बात करनी थी। फरमाइए। दरअसल हमारे यहाँ एक नोटिस आया है सोसाइटी ऑफिस से कि अगर हमसे कोई एक और गलती हुई तो हमें इस मोहल्ले से ही निकाल देंगे। नहीं मतलब मैं आप पे शक नहीं कर रहा हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि ये किसी से कोई गलत फहमी हुई होगी। आप तो हमसे रिश्ते अच्छे करना चाहते हैं, तभी तो आपने हमें खाने पे बुलाया है, क्यों है ना सर? मतलब खैर किसी ने भी भेजा हो नोटिस, अगर ये समस्या आप सॉल्व कर देते, क्योंकि आप तो सोसाइटी ऑफिस में सेक्रेटरी भी हैं, और अब आपसे ऊपर किसकी चलती होगी? किसी की नहीं, मेरे सिवा किसी की नहीं चलती। यहाँ तक कि मेरे ही कहने पर वो चिट्ठी आपके घर भेजी गई है और उसमें लिखा एक एक शब्द मेरा है, कोई गलत फहमी नहीं, और यहाँ तक कि बची खुची गलत फहमी दूर करने के लिए ही यहाँ बुलाया है। खाना तैयार है, खा के जाइए। एक भाई को उसकी औकात दिखा दी, अब बड़े की बारी है। दिमाग खराब है इस बुड्ढे का, मैं अभी जाके भाई साहब को बताने वाला हूँ। अरे नहीं, क्यों तमाशा कर रहे हैं, घर जाकर बता देंगे। अरे वो मदन काका याद है, चाय वाले? हाँ याद है, याद है। वो कैसे बोलते थे वो? अबे ओ एहसान फरामोश, मेरी चाय ना हो तो कॉलेज के लिए उठोगे ही नहीं। ऐसे बोलते थे, कॉलेज का आधा टाइम तो वहीं बीतता था। और वो चाय की आदत भी तो वहीं से मिली है। क्या कौन सी चाय? कड़क कड़क चाय बनाता था। कितनी जाते थे दिन में यार। और याद है तुम्हारी वो फौजी कड़क वाली हैंडशेक, वो भी वहीं सिखाई थी मुझे। हाँ याद है, याद है, चेक करो। हाँ चेक करो।
है ना, याद है अभी भी याद है, कड़क है ना, याद है एकदम याद है। वैसे ये सब तुम्हारे साथ की वजह से ये पॉसिबल हुआ है, अकेले में पापा की ये वाली स्माइल वापस नहीं ला सकती थी, इसलिए थैंक यू श्रवण। यार विजय कितने अच्छे दिन थे ना वो, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आज भी इतने सालों बाद हम अच्छे दोस्त हैं। लोग कहते हैं कि जो दोस्ती 10 साल से ज्यादा पुरानी हो जाती है वो कभी नहीं टूटती। हमारे वाली वो कितने हो गए, 19 या 20? नहीं नहीं 21 हो गए हमारी दोस्ती को। 21 साल, वाह कमाल है। अरे हाँ वो एक जरूरी बात करनी थी आपसे तो। अरे भाई चलो तुम लोग, खाना लग गया है, आओ। पापा 5 मिनट में आते हैं, देवराज को जरूरी बात कर रहे हैं फिर आते। अरे ज्यादा जरूरी बात है तो बाद में टाइम लगा के बात कर लेना, खाने के बाद आ जाओ। पहले खाना खा लेते हैं। चलिए आइए। कंग्रेचुलेशन श्रवण, हमारे पापा एक हो गए। बस अब हम ही एक होना है। खुशबू से तो ऐसे लग रहा है खाना बहुत यम्मी है। और ये सारा का सारा खाना दद्दू ने बनाया है। वाओ दद्दू, इतना अच्छा खाना बनाना आता है आपको। और ये क्या है? अब इसका नाम तो मालूम नहीं पर ये काजू से बनती है। दरअसल सरहद पर राशन में बहुत सारे ड्राई फ्रूट मिलते थे तो वो एक नायक वीर भानता वो नई नई डिशेज इन्वेंट करता था तो मैंने उन्हीं से सीख ली। और आप दादू हर खास दिन पे यही डिश बना के हमारे मजे करवाते। तो शुरू करें? लेकिन पहले केक। हाँ। सुमन yes. बेटा केक ले आना। कंचन बेटा आप भी साथ जाओ, वहीं ऊपर मुखवास रखा हुआ लेते आना। कंचा हमें ना तुम्हारी जीरा हेल्प की जरूरत थी। अच्छा वो वाली हेल्प। कंचा तुम इसकी हेल्प करो प्लीज, सुमन के साथ मैं जाता हूँ ना। मैं जरा वॉशरूम यूज कर सकता हूँ? हाँ प्लीज आप ऐसा करिए, रमेश के रूम में चले जाइए। ठीक है। डमरू बोलो क्या पूछना था है? क्या हेल्प चाहिए? हेलो हमारे बाल बाल कैसे लग रही है हमें? वो क्या है ना कंचा जी ना, मतलब कंचन जी हमने ना ये न्यू हेयर स्टाइल रखी है तो ना किसी ने तारीफ नहीं की तो तभी से ना ये सोच रहे थे कि कुछ गड़बड़ तो नहीं कर गई है तो ये पूछ रहा था कैसे लग रही है। स्पाइक्स है, स्पाइक्स। ये हमें तारीफ करने में सब सांप सुन जाती है क्या? दादी अम्मा हमारे जो हेयर स्टाइल कैसा लग रही है आप ही बता दीजिए। रोज से भी ज्यादा बुरे। थैंक यू। तारीफ नहीं किया मैंने। हाँ पर आप ही तो एक इकलौती हो जिन्होंने हमारे लुकस को देख के कुछ तो बोला, इसीलिए थैंक यू। आप इतने खुश बहुत अच्छे लगते हैं। जब सब लोग साथ हों और खुश हों तो आप भी तो खुश होंगे ना। पापा का समझ नहीं आता। क्यों? एक तरफ तो लगता है कि शायद वो देवराज की फैमिली को पसंद नहीं करते, दूसरी तरफ अपने सबसे खास दिन उन्हीं को इनवाइट कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। आप इतने अच्छे इंसान हैं, इतने अच्छे बेटे हैं, इतने अच्छे पिता हैं और इतने अच्छे पति हैं कि पापा तो क्या, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। ब्रिगेडियर साहब आप भी वॉशरूम? नहीं मैं तुमसे बात करने आया हूं। अकेले में जी कहिए।
मैं तुमसे अपने बेटे विजय के बारे में बात करने आया हूं। खबरदार, अच्छा है? कैसा है? टेस्टी है? लग तो टेस्टी रहा है यार। वैसे मुझे तुमसे एक और बात कहनी थी। ओह नो, क्या बोलने वाली है? ड्रेस सरप्राइज? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।